ओके तो आज हम बात करने वाले हैं पे इस टॉपिक के अंदर अपना, जैसे अब तक हमने केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे थे, तो केमिकल प्रॉपर्टी में अपन ने यहाँ पे पहली बात की थी बेसिक कैरेक्टर की, जिसका हमने डिटेल वीडियो देखा था कैसे कंपेयर करना है बेसिक, और उसमें कुछ क्वेश्चन कर रखे थे। फिर बात की हमने यहाँ पे अल्कालेशन की, इसको हमने पूरा समझा अच्छे से, इसके हमने सारी चीज़ें समझी, और थर्ड हमने किया एसाइलेशन। और एसाइलेशन के बाद हमने यहाँ पे अपना फोर्थ टॉपिक किया था अपना कार्बोलेमाइन टेस्ट करके। और जैसे हमने कार्बोलेमाइन टेस्ट खत्म किया, हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की हमने यहाँ पे अपना नाइट्रस एसिड्स के साथ रिएक्शन की। और ये आपका छठवा है लेक्चर, इसमें छठवा, ये आपका सिक्स वन है और रिएक्शन में, जिसका नाम होता है अपना हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ऐसे ये जो टेस्ट होता है, दिस टेस्ट इज यूज इन लेबोरेटरी फॉर डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टेस्ट अमीन। मीन्स मान लो आपके पास अमीन है और आपको पता करना है कि वो प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो कैसे पता करें? तो उस केस में उसको पता करने के लिए हम यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट यूज़ करते हैं। और सिंपल है, और ये एग्जाम में आता है 4 मार्क के अंदर, 4 से 3 मार्क के एग्जाम में आता है, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो आपको ये पूरी लिखनी होती है, तो देखते क्या होता है इसमें एक्चुअली। और हाँ, क्या करना है, तो स्टार्टिंग में अपना आप सिंपल आप देखना अच्छे से कैसे क्या कर रहा हूँ पूरा, क्योंकि टॉपिक को समझना पहले इंपॉइंट है। लिखने दो लोग यार आराम से, आपको आपको इंटरनेट भी मिल जाएगा आपका इस सोल्यूशन, इसका प्रॉपर थियरी, बट समझ जाओ पहले अच्छे से। आप खुद से भी थ्योरी फॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। तो ये टेस्ट होता है वो बेसिकली यूज होता है प्राइमरी अमीन के लिए, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन को टेस्ट करने के लिए लैब के अंदर। और यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, यहाँ पे रिएजेंट यूज होता है, उसका नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट करके, एक साइंटिस्ट थे मतलब टेस्ट करके। ये देखो रिएजेंट हिंसबर्ग दो टाइप के थे, दो वाले, एक तो अपना वो वाला वो फिजिक्स वाले रिएजेंट है वो अपने हिंसबर्ग, वो ये अलग हिंसबर्ग थे। तो इन्होंने एक कंपाउंड बोला, मतलब इन्हीं के नाम पे कंपाउंड फेमस है, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड करके, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है आपका। और इसी के हेल्प से पता करते हैं कि जब आपका कंपाउंड है वो कैसा है, वो मतलब प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शरी है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, देखो लेट से आपके मान लो ये प्राइमरी में है, प्राइमरी अमीन, हाँ, और मान लो क्या क्या आपने इसको ये जो रिएजेंट है उसको डाल दिया इसके अंदर। तो होता कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये जो आपका एच है, ये एच और ये सी ओ है, ये जो एच आपका और यहाँ पे जो सी एल है आपका, वो बेसिकली एच सी एल बन के बाहर निकल जाते हैं कुछ इस तरह से, दिखा आपको बाहर आ गया। बाहर आते क्या होगा, देखो बाहर आते ये नाइट्रोजन और ये सल्फर डाइऑक्साइड की एसओ टू के बीच में बॉन्ड बनता है जो कि एरा बॉन्ड, और हाँ यहाँ पे आपको मिलता है प्रोटॉन फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे हो क्या, कि यहाँ पे अगर आपके एच में अमाइन है, मतलब आपके अमाइंस में अगर एच है हाइड्रोजन, तो ही ये रिएजेंट रिएक्ट करेगा करेगा ना, सिंपल है, आपको मैं सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ पे रिएक्शन जो हुई है वो एच के वैसे हुई है, क्लियर? तो ये आपका ब्लड फॉर्म हो गया, और ये थोड़ा सॉल्ट फॉर्म में होता है एक्चुअली। मान लो ये फॉर्म हो गया, तो ये हमने पहला तरीका, ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, अभी टेस्ट पूरा बाकी है अभी। हाँ और हमारा मान लो ब्लड फॉर्म हो गया, और हमने क्या किया उसको डाल दिया एक्वस केवेच में। अगर एक्वस केवेच में डालने पर अगर वो सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल कैसे होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्यू एच है, के प्लस ओ एच माइनस, और यहाँ पे इस पर माइनस होता है, इससे प्लस चार्ज होता है, तो ये जो ओ एच माइनस है वो इस एच प्लस को लेकर निकल लेगा। अरे भाई पढ़ा ना मैं, सिंपल ओ एच माइनस बेस है, बेस कोई भी स्पीज जिसपे माइनस चार्ज हो बेस होता है वो एच प्लस खाने आता है। तो मान ये एच प्लस गया यहाँ से, तो आपका वाटर में निकल गया, और देखो तो ये नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसको बैलेंस करने के लिए ये जो क्यू एच का के था, के प्लस, वो यहाँ पे आ गया इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा। तो ये आपको दिख रहा है कुछ, ये अपना सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब कि पहले हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ जो कुछ होगा, मान लो हमने क्या किया उसको डाल दिया क्यू एच के अंदर। अगर क्यू एच को डालने पे जो का प्रोडक्ट था आपका, अगर मान लो डिजोल्व हो गया पूरा, वो पूरा डिजोल्व हो गया, हाँ क्लियर, और डिजोल्व कर दिया, और मान लो डिजोल्व हो गया आपका, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड था वो प्राइमरी था, क्लियर? यहाँ पे अब देखो, अब इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं चाहे तो, अगर मान लो मैं इसमें डालूँ एक्सेल करके, तो वापस मुझे अपना यहाँ पे मुझे मेरा प्राइमरी अपना अमाइन मिल जाता है वापस से, क्लियर? तो फर्स्ट क्या करना, देखो अब यहाँ बताऊँ कहाँ पे सिंपल में, अगर आपने अपना जो ये अमाइन है, अमाइन अगर आपने अमाइन को रिएजन से रिएक्ट कराया और रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई, तो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्स भी कभी नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी होती है एक्चुअली। प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी भी हो सकता है, दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है, मतलब
कि यहाँ से यहाँ जाने में हमें ये कंफर्मेशन हो गया कि जो हमारा कंपाउंड है वो प्राइमरी सेकेंडरी होगा, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी में ही हाइड्रोजन होते हैं, टर्शरी में हाइड्रोजन नहीं होते ना, टर्शरी माइन में। अरे भाई, टर्शरी माइन कुछ इस तरह से हमारी होती है कि नहीं होती है? इसमें दिख रहा है वो कहीं पर हाइड्रोजन? बताओ देख एक बार, सिंपल नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं तो मेरे पास प्राइमरी सेकेंडरी में यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से जाने में हमें ये कन्फर्म हो गया कि टर्शरी तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर मान लो हमने क्रिएट किया कुछ नहीं हुआ, इट मीन्स के टर्शरी था आपका। अब मान लो आपने यहाँ पे जो आपका कंपाउंड फॉर्म हो, मान लो यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ जाने में हमें पता चलता है टर्शरी फॉर्म हमारा। देखो, अगर आपने ये स्टेप के बाद अगर आपने मान लो आपने ये करवा दिया और वापस हो गया पर सोल्यूबल, इट मीन्स के प्राइमरी प्रेजेंट है। मतलब कि जैसे ही हम एक स्टेप कवर करते हैं तो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी हो जाता है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी पॉसिबिलिटी होती है होने की। अगर आपने मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हो आप, इस वाले से यहाँ यहाँ पे, तो अगर एक दिन हो गई, आपने जो कंपाउंड फॉर्म किया, आपने एजेंट डाल के, अगर वो सॉल्युबल हो गया, इट मीन्स के कन्फर्म है कि प्राइमरी प्रेजेंट है। तो ये होगा सिंपल। मैं बात करूँ, मैं अगर दूसरे केस के यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा बहुत डर होगा यहाँ पे, सर आप कैसे बोल रहे हो यार, थोड़ा समझाओ अच्छे से। ये डरो मत, देखो सिंपल है, आप सिंपल इसको याद रखो। और मैं इसी के बेस पे मैं कंपेयर करने वाला हूँ बाकी चीज़ों को, जो मेरे बाकी जो मेरे यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी जो केस होता है मेरा, मैं उसको भी इसी तरह कंपेयर करूंगा। ओके, देखो अगर हम बात करें सेकेंडरी इवेंट के लिए, फॉर सेकेंडरी इवेंट, तो पता है आपको सेकेंडरी इवेंट में क्या होता है? R2NH होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा ड्रो नहीं करूंगा, आपको सिंपल समझाऊंगा मैं कैसे क्या हो रहा है। पूरा मैकेनिज्म मैंने पहले बता रखा है आपको, सिंपल ही मैकेनिज्म पूरी होती है, कुछ उसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता। और ये लास्ट में उसको न्यूट्रलाइजेशन करते हैं इसका, HCl डाल के, तो वापस हमें IN2 मिल जाता है। आपको एग्जाम में इतना ही छापना है, लिखना है। तो लेट्स से आपका सवाल, आपका रिएजेंट लिया आपने यहाँ पे और क्या किया आपने, रिएक्शन करवा दिया, तो पता है सिंपल, ये एच है, ये सी एल है, तो क्या करेंगे फिर, ये बाहर निकल लेंगे यहाँ से, दे कम आउट ऑफ द कंपाउंड, मतलब ये बनेंगे एस एल के, बाहर निकलेंगे। हाँ, इट मीन्स के हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हो गई है, R2N, यहाँ पे SO2 और ये अपना बेंजीन। अब देखो, अब मान लो आपने लिया यहाँ पे कैकोस का, देखो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप आपका होता है सिंपल, आपको रिएजेंट ऐड करना है, हिंजबर्ग रिएजेंट, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक्वस क्यूएच डालना होता है। अगर एक्वस क्यूएच डालने पे क्या हुआ, देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, अरे भाई यहाँ पे एच है ही नहीं, तो ओ एच माइनस का लेने आएगा, ओ एच माइनस का बेस होता है, तो उसको एच प्लस चाहिए, तो है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या होगा, जो आपका ये सॉल्ट बनाई है, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, वो कैसा होगा, प्रोडक्ट आपका इनसॉल्युबल होगा, प्रोडक्ट इज इन सोल्युबल। क्लियर? तो सिंपल, इट मीन्स के सेकेंडरी एमाइन कन्फर्म हमारा हो गया यहाँ पे। इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है वो भी आपको बताना पड़ेगा मुझे एक बार, मैं आपको लिखूँ थ्योरी यहाँ पे, सिंपल देखो लिखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे सिंस सिंस ऑन, या तो एक काम करो, आप लोग इतना लिखो भी चलेगा एग्जाम में, मतलब इतना थ्योरी देखो जो आपको समझ में आया वो लिख दो सिंपल। यहाँ पे हमने एजेंट बनाया डाला, और जब हमने केवल चैट किया तो कुछ नहीं हुआ, इट मीन्स के जो अपना प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल है, वो अगर इनसॉल्युबल है इट मीन्स क्या, अच्छा ही नहीं उसके पास यहाँ पे, तो ये अपना हो गया सेकेंडरी अमाइन कन्फर्म। हमारे मुझे उसको रिकवर करना है, तो रिकवर कैसे करेंगे हम, आपने जो यहाँ पे डाला है ये ना, ये अपना डाला है एसएल करके, यहाँ पे आप क्या करो, आप इसमें वापस से बेसिकली कन्फर्म हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज आपको करना है, तो आप सिंपल आप एनएच डाल दो, बेस कर डाल दो। अगर मान लो कोई कोई रिएक्शन में एसिड गया है तो उसको निकालना है आपको बाहर, मान लो तो आप सिंपल बेस डाल दें यहाँ पे, तो आपको वापस से आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा जो कि ये आपका होगा सिंपल। फिर और देखो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि हमने बेसिकली अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया है KOH, तो क्या करो उसको उसको वापस इंटरेस्ट कर दो, क्योंकि हमने जो KOH ऐड किया वो तो होगा सोल्यूशन में, तो न्यूट्रलाइज बाई दी HCl। जैसे आप इसको न्यूट्रलाइज करोगे HCl, तो आपको वापस से R2NH मिल जाएगा इसके अंदर। ये अपना केस होगा सेकेंडरी इमेन का। और मैं आपको टर्शरी अमीन के लिए बात करूँ, अगर मैं R3NH के लिए, तो भैया देखो यहाँ पे तो रिएक्शन हो ही नहीं ना, यहाँ पे हमारे पास खाली कितना, एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, सही है, बस आपको इतना पता रखना है यहाँ पे, नो रिएक्शन पूरा। तो इट मीन्स के टर्शरी अमाइन इज कन्फर्म, बस ये आपको याद रखना है यहाँ पे। आप चाहो तो इसकी थ्योरी लिस्ट तो खुद से बना के, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो ये इतना अपना टेस्ट था जिसका नाम था हिंजबर्ग टेस्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी एक अलग क्लास ऑफ रिएक्शन, जिसका नाम होगा लैक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन, मतलब कि हम क्या करेंगे, कौन
हम अनिलीन के रिएक्शन की बात करने वाले, थोड़ा सा अनिलीन की, अनिलीन जो हमारा अनिलीन होता है उसकी रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम दो तीन रिएक्शन पढ़ने वाले, तो आप थोड़ा सा पढ़ के आना और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।